यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि काफी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न क्रिएट करके आपको देगा। वो स्टॉक है शिवालिक रसायन, और शिवालिक रसायन के बारे में कम्प्लीट रूप में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिये, सबसे पहले कंपनी क्या करती है। सबसे पहले शिवालिक रसायन एक एग्रोकेमिकल कंपनी है और इस कंपनी की दो सबसे कंपनी है, मेडिकामेन बायोटेक लिमिटेड और ओपल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया। अब ये दो कंपनी जो है इसकी सब्सिडी कंपनी है, तो मुख्य रूप से हमें बिजनेस देखना है शिवालिक रसायन का। तो यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है एग्रोकेमिकल है, जिस और एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट एपीआईज बनाती है, और साथ साथ कंपनी का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है फार्मा और नॉन फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो देहरादून उत्तराखंड में है, और कंपनी का दहेज गुजरात में है, और कंपनी का जो रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है वो भिवंडी राजस्थान में है। तो ये कुल तीन एग्रोकेमिकल के लिए कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उसके बाद मेडिकामेन बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग जो होता है फार्मा फार्मुलेशंस का, जिस जो कि इंक्लूड करता है ऑन्कोलॉजी को, दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक भिवंडी में और दूसरा हरिद्वार उत्तराखंड में। और कंपनी का जो ये फार्मा से रिलेटेड प्लांट है ये 35 कंट्रीज में अप्रूव्ड है, और कंपनी का जो ये प्लांट है राजस्थान में और है उत्तराखंड में, ये यूएस स्टैंडर्ड्स को कंप्लेंट करता है और डेडिकेटेड है ऑन्कोलॉजी को। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर जो कंपनी का एक और सब्सिडरी है ओपल फार्मास्यूटिकल्स, ये कंपनी का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करता है फार्मा प्रोडक्ट को, और इस यहाँ पर कंपनी का 14 प्रोडक्ट है वो ऑथराइज है ऑस्ट्रेलिया में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पर कंपनी का जो स्ट्रक्चर इस तरह देखते हैं, जो शिवालिक रसायन हो गया एग्रोकेमिकल्स कंपनी के साथ साथ इसकी सब्सिडी जो मुख्य रूप से है वो है मेडिकामेन बायोटेक, और मेडिकामेन बायोटेक की सब्सिडी है ओपल फार्मास्यूटिकल्स। तो इस तरह से जो ये दोनों कंपनी का जो रेवेन्यू शेयरिंग होगा, तो यह ओपल फार्मास्यूटिकल मेडिकामेन बायोटेक के साथ करेगा, और इसका जो नेट इनकम होगा उसका जो शेयरिंग होगा वो शिवालिक रसायन के साथ होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक होल्डिंग 47% है शिवालिक रसायन में, प्रमोटर्स होल्डिंग 52 है, और वहीं पर मेडिकामेन में शिवालिक रसायन का जो होल्डिंग है, मतलब जो प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें हो गया एक तरह से 44.77, और पब्लिक होल्डिंग है 42.23, और ये एक जॉइंट वेंचर है, और ये जॉइंट वेंचर है फार्मा डेनिका के साथ, और फार्मा डेनिका इसमें 13% होल्ड करता है जो कि टोयोटा ग्रुप की कंपनी है। तो इस तरह से काफ़ी बेहतरीन कंपनी है ये दोनों के दोनों। और यहाँ पर ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें मेडिकामेन 75% होल्ड करता है अपना स्टेक। अब देखिए, हमने ग्रुप स्ट्रक्चर को समझ लिया, कंपनी का स्ट्रक्चर किस प्रकार है, उसके बाद इसके जर्नी की बात करें कंपनी का, तो 1980-1990 में शिवालिक रसायन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर कंपनी जो है 2002 में ओवरटेक किया गया राहुल बिश्नोई के द्वारा और उसके टीम के द्वारा। इस तरह से कंपनी 2015 में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, और कंपनी जो है 2016 में एक्वायर किया मेडिकामेन बायोटेक को, और कंपनी का जो रिसर्च डेवलपमेंट है ये 2018 में अप्रूव हुआ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। 2019 में कंपनी एपीआई फैसिलिटी दहेज में और ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी हरिद्वार में स्टार्ट किया। 2019 में ही कंपनी का जो सब्सिडी कंपनी है मेडिकामेन वो एक्वायर किया ओपल फार्मास्यूटिकल ऑस्ट्रेलिया को। तो कुछ इस तरह से कंपनी का जर्नी रहा है। अगर शिवालिक रसायन का ओवरव्यू की बात करें, तो एग्रोकेमिकल डोमेन में बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डाई मेथोड टेक्निकल्स का, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेथालियन टेक्निकल का, 1450 मीट्रिक टन एनुअल कैपेसिटी है विथ 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ, और 20 एकर्स जो है प्राइम लोकेशन लैंड है देहरादून प्लांट के लिए। और वहीं फार्मास्यूटिकल डोमेन की बात करें, फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी है जो कि रिसर्च डेवलपमेंट एपीआई और फार्मुलेशन को पर काम करती है। फार्मास्यूटिकल डोमेन में यूएस एफडीए और यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड कंप्लेंट फैसिलिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ ही साथ कंपनी वन स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, पायलट स्केल बैचेस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च सर्विस के लिए। अब कंपनी के अगर बात करें टॉप जो मैनेजमेंट टीम है उसमें से देखिए, यहाँ पर डॉक्टर विमल कुमार सरावत ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, काफ़ी अच्छा इनके पास एक्सपीरियंस है, डाबर फार्मा में ये काम कर चुके हैं। वहीं
शिल्पा मेडिकेयर में भी काम कर चुके हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। और दूसरे जो यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय कांत चतुर्वेदी, इनका 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये भी डॉक्टर रेड्डी में काम कर चुके हैं, डाबर रिसर्च फाउंडेशन में काम कर चुके हैं और जुबिलेंट में काम कर चुके हैं। तो काफ़ी बेहतरीन टीम है और इस मैनेजमेंट टीम पर आप भरोसा रख सकते हैं कि कंपनी को अच्छा खासा ये आगे लेकर के जा सकती है। अब बात करें कंपनी का यहाँ पर फंडामेंटल जो एनालिसिस है, ये तो कंपनी के बिजनेस को मैंने देखा कि एग्रोकेमिकल बिजनेस करती है, साथ साथ कंपनी फार्मास्यूटिकल बिजनेस भी करती है और साथ साथ कंपनी के दो सब्सिडियरी कंपनी भी है। अब बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स का, देखिए मार्केट कैप है 1492 करोड़ का, 1083 रुपीज के आसपास कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 0.02%, जो कि काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.98%, फेस वैल्यू 5 का है, प्रमोटर्स होल्डिंग 52.9% है। वहीं डेट टू इक्विटी की बात 0.16 का डेट टू इक्विटी है, कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम है, मात्र 28 करोड़ का डेट है, जबकि नेट एनुअल प्रॉफिट 17.7 करोड़ का और रिजर्व भी अच्छा खासा है 172 करोड़ का। इस तरह से देखते हैं कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और जैसा कि आपने बिजनेस तो देख ही लिया, तो यहाँ एनालिसिस पे जाकर के आप कंपनी के एनालिसिस को देख सकते हैं। यदि यहाँ पर देखिए प्रोज में कंपनी के पास यहाँ प्रोज कुछ नहीं दिखा रहे, लेकिन कॉन्स में यहाँ स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 8.3 टाइम्स बुक वैल्यू के। तो देखिए अच्छे स्टॉक्स महंगे प्राइस में मिलेंगे, तो ये कोई भी कॉन्स नहीं है, मतलब कोई निगेटिव चीज़ें यहाँ पर नहीं है। टैक्स रेट सीम्स लो, टैक्स रेट लो दिख रहा है। कंपनी जो है रिटर्न इक्विटी काफ़ी कम है, रिटर्न ऑन लिक्विड इक्विटी कम है, लेकिन आने वाले समय अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस कर सकती है। यहाँ से डिविडेंड पे आउट काफी कम रहा है 3.80% का, और कंपनी जो है प्रमोटर्स होल्डिंग है डिक्रीज हुआ है 3 इयर्स में लगभग 9% से। तो ये थोड़े से मतलब निगेटिव चीज़ें हैं कंपनी पर, इस पर आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ है, तो देखिए सेल्स यहाँ पर 2015 में 41 करोड़ का था, यहाँ से टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 2021 में 198 करोड़ हो चुका है। तो पिछले 6 सालों में काफ़ी ज़बरदस्त इनक्रीज देखने मिला है। बॉटम लाइन के हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ जो बॉटम लाइन ग्रोथ है 2 करोड़ से बढ़कर के 18 करोड़, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने मिल रहा है। और वहीं पर अगर आपको इसका समरी देखना हो, तो देखिए जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है 5 ईयर्स में 12% का है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ जो है 5 ईयर्स में 41% का है। तो सेल्स ग्रोथ देखिए मात्र 12%, प्रॉफिट ग्रोथ 41%, और जो CAGR ग्रोथ है प्राइस का वो है 577% का। तो यही तो हमें चाहिए, 77% का CAGR दे रहा है, काफ़ी बेहतरीन है। इक्विटी रिटर्न मात्र 14%। और बैलेंस शीट की बात करें, शेयर कैपिटल कंपनी के पास 7 करोड़ का है, रिजर्व जो कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, मात्र 8 करोड़ का था, जहां से बढ़कर 172 करोड़ हो चुका है। डेट की बात करें तो डेट 0 था, लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ करके 29 करोड़ हो चुका है, तो कंपनी का डेट भी इंक्रीज हुआ है। कैश फ्लो की बात करें, कंपनी अच्छा खासा कैश फ्लो पिछले 2 साल से जनरेट कर रही है, तो काफ़ी बेहतरीन साइन है। यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें कैश फ्लो मुख्य रूप से देखना होता है। उसके बाद कंपनी में इन्वेस्टर सेक्शन मैंने देख ही लिया कि थोड़ा सा पिछले 3 साल में प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज हुआ है। अब बात करें कंपनी का जो मुख्य रूप से टेक्निकल चार्ट है, जहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए चार्ट कितना सॉलिड है, लगातार कंपनी का शेयर प्राइस न्यू हाई बना रहा है, लगातार देखिए इस तरह से राउंडिंग, इस तरह कप हैंडल पैटर्न बनाते हुए कंपनी का स्टॉक जो लगातार ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पर कोई भी गिरावट होता है या इस तरह के फिर से कभी ये पैटर्न फॉर्म करता है इस तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न, तो आप बॉटम पर इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं तो हमेशा लोअर प्राइस पे ही बाय करना पसंद करेंगे। तो जब भी गिरावट मिले तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए स्मॉल कैप स्टॉक है, तो कभी कभी गिरावट काफ़ी बड़ी हो जाती है, जैसे यहाँ पर देखने मिला लगभग 400 रुपये से गिर करके ये स्टॉक आ गया था 180 रुपये तक। तो देख सकते हैं 50% से भी ज़्यादा का करेक्शन कभी कभी देखने मिलता है, तो इसी करेक्शन का वेट करना है, कहीं पे भी होता है आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अगर यहाँ पर ये ऊपर ही चलता गया तो भी आप इसमें SIP मोड में थोड़ी थोड़ी अमाउंट बाय कर सकते हैं, या तो आप फिर करेक्शन का वेट कीजिए, कभी भी कोई बड़ी गिरावट होती है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन प्राइस लेवल का हमेशा वेट करना है, हमें हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा।